सो गाइस, जैसे ही आप अपने फ़ोन के लिए एक न्यू सिम कार्ड खरीदते हो या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हो और अपने फ़ोन पे उसे एंटर करते हो, लगाते हो एक न्यू सिम कार्ड को, तो आपके नोटिफिकेशन के सेक्शन पर साइन इन टू नेटवर्क आता है और उसके नीचे आपकी सिम का नाम लिखा होता है, लाइक जियो 4G, एयरटेल या फिर BSNL, जो भी आपकी सिम हो। और गाइस, आप उसे रिमूव भी नहीं कर सकते अपने नोटिफिकेशंस के सेक्शन से, और आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, ना ही मैसेज कर पाते हो। तो आज इस वाली वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से फिक्स कर सकते हो, यानी अपने नोटिफिकेशन से उसे हटा सकते हो। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद गाइज, आपको सिम कार्ड के ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज, आपको अपना जो भी सिम कार्ड है आपका, उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइज, यहाँ पर देखिए एक एनेबल का ऑप्शन है, आपको उसे एक बार डिसेबल करना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद फिर से आपको इसे ऑन करना है, तो ये कुछ ही देर में वापस से ऑन हो जाएगा। ओके, हो गया। अब गाइस, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए कैरियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे की तरफ, तो आपको उस पर टैप करना है। इसके बाद देखिए ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो आपको इसे इस तरीके से ऑफ करना है, ये देखिए। इसके बाद गाइस, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको इसमें से कोई को भी सिलेक्ट नहीं करना, वापस से ऑटो सिलेक्ट को एनेबल कर देना है, ठीक है। तो इससे बेसिकली हमने एक रीस्टार्ट वाली प्रोसेस करी है गाइस। अब गाइज, जैसे ही आप अपने नोटिफिकेशंस को ओपन करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी अब साइन इन वाला एरर शो नहीं करेगा, यानी नोटिफिकेशंस के अंदर। और गाइज, बड़ी आसानी से आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।